हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। आई एम नेहा अग्रवाल एंड आई एम अ फैकल्टी एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैक्सिमा मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन। सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है आज का ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे, और उसके फॉर्मूलेज क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स क्या हैं और रूल्स ऑफ डेरिवेटिव क्या हैं, ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव की स्टडी क्यों करते हैं और डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो आप सब को रेट ऑफ चेंज ये वर्ड पता ही होगा। जैसे कि रेट ऑफ चेंज, मेरा कहने का मतलब है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर सपोज आपके पास में, समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई ये दो कार है, सपोज कार C1 और इसे हम ले लेते हैं कार C2, ठीक है। कार जो C1 है हमें उसकी स्पीड पता करनी है और कार C2 की भी स्पीड पता करनी है। तो हम इनके स्पीड कैसे पता कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। तो उस मतलब कार C1 कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें उन कार का एवरेज निकालना रहेगा कि दोनों किस तरह से, मतलब क्या कर रही है, कितने कितने डिस्टेंस, एक ही सेम डिस्टेंस कार C1 और C2 कितने स्पीड में कवर करती है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, D1 अपॉन T1, D2 अपॉन T2, इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल कर हम क्या निकाल सकते हैं, उनका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप एक बात सुन सकते हैं, आप लोग को सबको पता है कि हम लोग जनगणना करते हैं, जनगणना की पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। तो सपोज हमने सोचा कि 2000 में हम ले लेते हैं, सपोज रैबिट लोग की ग्रोथ 2000 ईयर, साल 2000 में कि कितने रैबिट हुए, सपोज 150 रैबिट हुए, और साल 2005 में सपोज कितने रैबिट हो गए, 2005 में सपोज 800 रैबिट हुए। तो कितना मतलब उनका रेट ऑफ चेंज है करके, तो इन सब की जो हमें स्टडी करना रहता है, तो ये कोई एक एक गिनते हुए तो बैठेंगे नहीं। तो ये सब जो चीज़ें रहती है, इन सब को हमें अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम, ये सब चीज़ों के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा है dy/dx, तो ये जो x है वो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y क्या होता है, ये चेंज होते रहता है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम वैसे ही इन जनगणनाओं को, इस सब चीज़ों को उसी तरह से निकाल सकते हैं, किसका यूज़ करते हुए, डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए। इसके ऊपर एक हमारा बहुत अच्छा माइक्रो प्रोजेक्ट भी है, तो वो मैं आप सबको, उसका जब माइक्रो प्रोजेक्ट का वीडियो डालूँगी तब आपको मतलब कि कहाँ किस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप वो ग्रोथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव।
और इन सब चीज़ों के लिए ही हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर मैथमेटिकली आप लोग को समय पहले क्या करना है, एक जनरल फॉर्म पढ़ना पड़ता है। डेरिवेटिव इज़ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है वो फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने अभी बताया, और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो भी वाई आपका रहेगा, फंक्शन रहेगा, वो चेंज होते रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे डिनोट किस तरह से किया जाता है, डी बाय डी एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बस आपको सिंपल वे में याद रखना है, रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, ओके। और हम इसे किस तरह से दर्शाते हैं, डी वाई बाय डी एक्स से, ओके। डेरिवेटिव चैप्टर की स्टडी मैथमेटिकली में करने के लिए आप लोगों को सब में पहले उसके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आप सभी को पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, या फिर आप इसे फॉर्मूले भी कह सकते हैं, ओके। आप सभी को डेरिवेटिव चैप्टर्स में इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए ही सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ओके। हाँ, तो देखिए ये जो डी बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल लिखा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, एक्स को। जब हम सेम ही वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, वन आती है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ, मैं डी बाई डी एक्स को क्या पढ़ रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू वन, ओके। वैसे ही सेकेंड इसमें डेरिवेटिव ऑफ वाई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। थर्ड वन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स क्या है आपका वेरिएबल है, ये भी एक्स क्या है वेरिएबल, आप इस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एन क्या है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कोई नंबर भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर कोई लेटर ए बी सी डी भी आ सकता है। तो ये किस तरह से हो जाता है, n टाइम x टू द पावर n माइनस वन, जो भी पावर में लिखा रहेगा उसे आपको सामने लेकर आना है x के, और उसमें से क्या करना है, माइनस वन करना है, ओके। ये वेरिएबल है x, ये याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर x ही चाहिए, n चेंज हो सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है या फिर कोई लेटर भी आ सकता है। डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू द पावर x, e का मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म ही होता है, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू द पावर x, e अलग टर्म है, e मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, और a क्या है, a है एक कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर भी जैसे अभी a लिखा है तो लेटर a b c d भी आ सकता है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 इस तरह के कोई नंबर भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू द पावर x हो जाता है a रेस टू द पावर x इंटू log a, जो टर्म दिया है वही टर्म लिखना है, मल्टीप्लाई बाय log के साथ में जो यहाँ टर्म रहेगा वह टर्म आएगा, ओके। देन नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ k, k का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स फिर से यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाएगा या फिर नंबर हो जाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ 3 ज़ीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 भी ज़ीरो हो जाएगा,
कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। देन नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ के इंटू एक्स। के क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आया सिर्फ तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ में आता है तो कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव से बाहर लिखना पड़ता है इस तरह से। और फिर हम डेरिवेटिव किसे प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ वेरिएबल को। किसे देंगे हम डेरिवेटिव, सिर्फ वेरिएबल को। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपको पता ही है क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपल सिंपल है, इन्हें आपको लर्न करना है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके, कुछ और भी हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, लेकिन माइनस साइन एक्स। याद रखना है आप लोग को, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जिसमें भी डेरिवेटिव आप कोई भी सी वाले टर्म का डेरिवेटिव जब भी करते हैं, ठीक है, कॉस या फिर कॉट कोसेक, वहाँ पे देखिए जब भी उन सब पर डेरिवेटिव लिखोगे तो उनके सबके सामने में क्या है, माइनस का साइन है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसे याद रख सकते हो कि सी वाले टर्म में क्या आता है, उसका डेरिवेटिव लिखते समय माइनस का साइन, क्योंकि आपको डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स याद रहता, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स याद रहता। क्या याद नहीं रहता, कि यहाँ पर माइनस साइन एक्स है कि यहाँ पर है, तो आप लोग कुछ भी गलत लिख देते। अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया तो राइट रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है। ओके, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस आपको इनको क्या करना है, बहुत बार देखकर इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो इन्हें याद रखने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे एक चार्ट पेपर पर और अपने रूम में कहीं पर लगाएंगे, और रोज़ उन्हें देखते हुए ही आपको ये लर्न होगी। एक दिन में ये लर्न नहीं होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, इनका रोज़ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही कॉस इनवर्स एक्स का है, लेकिन सिर्फ माइनस सामने में क्या आया है, माइनस का साइन आया है, है ना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वैसी ही है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जो टेन इनवर्स एक्स का है, यहाँ पर भी वैसी वही कॉट इनवर्स एक्स का है, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन। मैंने अभी बताया सी वाले जो टर्म रहेंगे वहाँ पर क्या आते हैं, उनके साथ में माइनस का साइन। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। वैसे ही कॉस इनवर्स का भी ये सेम ही है जो सेक इनवर्स का है, तो बस यहाँ पर भी क्या आया है, माइनस का साइन आया है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिस्ट है डेरिवेटिव की, जिन्हें आपको ध्यान देकर याद करना है, और रोज़ उन्हें देखते रहेंगे तभी आप ये आपको याद रहेगा, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूलों की लिस्ट पर बेस्ड क्या करना है, सॉल्व करना है, स्टडी करना है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, अब हम देख रहे हैं डेरिवेटिव के कुछ रूल्स। इन्हीं रूल्स का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, और लिस्ट जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करते हुए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ सम। सम का मतलब सभी को पता है क्या होता है,
प्लस। तो डेरिवेटिव ऑफ सम हम किस तरह से कर सकते हैं देखेंगे। हमारे पास फंक्शन है कौन कौन से, y, u और v। सपोज हमने माना y किसके इक्वल है, u प्लस v। कोई दो फंक्शन है, फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, ऐसे अलग अलग फंक्शन है। कोई भी दो वैल्यू है u और v सपोज वो फंक्शन की, तो हमें उन्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगर उनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, d बाई डी एक्स ऑफ y, हमेशा y लिखना है इस तरह का, यहाँ जो वेरिएबल रहेगा y वो, इक्वल टू का साइन जैसे का वैसा, d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ जो वैल्यू जो टर्म दिया रहेगा वो टर्म लिखना है, ठीक है। इन दोनों टर्म, दो भी टर्म हो सकते हैं, तीन भी टर्म हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अगर उनके बीच में प्लस का साइन है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, डी बाई डी एक्स जो भी पहला टर्म रहेगा उसे देना है, उसके बाद में प्लस का साइन लगाऊंगी, डी बाई डी एक्स जो सेकेंड टर्म रहेगा वह लिखूंगी वी, ठीक है। सिंपल वे में क्या मतलब हुआ इनका, जब भी कोई भी फंक्शंस दिए हो उनके बीच में प्लस का साइन रहा, तो आपको सभी टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव प्रोवाइड करना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ओके। लेट वाई यू एंड वी आर द फंक्शन, फिर से हमारे पास वैसी फंक्शन है, अब लेकिन उनके बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी सेम वैसी ही, प्लस रहा तभी भी हमने सेपरेटली डेरिवेटिव दिया, तो माइनस रहा तब भी आपको क्या करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ, ये जो भी टर्म लिखा रहेगा यू की जगह उसे दोगे आप डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस का साइन डी बाय डी एक्स ऑफ जो भी सेकेंड टर्म रहेगा उसे दोगे, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सम और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। अब आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब हम पहले हमने सम के लिए पढ़ा, फिर डिफरेंस के लिए, अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर आप कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहे, क्या रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, तो हमने डी बाई डी एक्स दोनों तरफ प्रोवाइड किया डेरिवेटिव, अगर वो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में हैं तो देखिए इन्हें किस तरह से डेरिवेटिव प्रोवाइड करना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, ओके। किस तरह से करना है, फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म रहेगा उसे लिखना है हमेशा पहले टर्म को, फर्स्ट इंटू, हम ऐसे तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, पहले हम पहले वाला टर्म जैसे का वैसा लिखते हैं और डेरिवेटिव किसे प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म को, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर हम प्लस का साइन लगाते हैं, सेकेंड टर्म लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा प्लस का ही साइन आएगा, आप लोग भूल से भी माइनस का साइन नहीं लगाएंगे अपने मन से, ये रूल है, प्रोडक्ट रूल। क्या रूल है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन मतलब डिवीजन, अब हम इसे हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, क्या कहते हैं इसे हम, क्वेश्चन रूल, कि अगर कोई दो फंक्शन कैसे हो, डिवीजन में हो, तो हम उसे किस तरह से डेरिवेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देखिए किस तरह से होता है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर का टर्म है, ध्यान से सुनेंगे मैं जो कह रही हूँ
और उसी तरह से करेंगे। पहले सब में पहले डिनोमिनेटर का टर्म लिखूंगी और उसका स्क्वायर करूंगी, ओके। उसके बाद वही डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में लिखूंगी, स्टार्टिंग करूंगी उसी से। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर का टर्म और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर के टर्म का स्क्वायर लिखना है सब में पहले, फिर वही टर्म यहाँ लिखोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस का साइन, न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से आप लोग को ये सभी रूल, चारों रूल को अच्छे से याद रखना है और इन्हीं का यूज़ करते हुए हम क्या करने वाले हैं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी सब में पहले सब अच्छे से इन रूल्स को समझिए, इन्हीं नोट डाउन करिए और जो भी आपको लिस्ट अभी मैंने बताया है उस लिस्ट को अच्छे से नोट डाउन करिए, लर्न करिए, तभी आप लोग को इसके बाद वाले आगे वाले वीडियो क्या होंगे समझ में आएंगे, ओके। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको आगे वाले वीडियो समझ में आने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके आगे के पूरे वीडियो का जो बेसिक रहेगा वो पूरा आप लोग के जो फॉर्मूले लर्न करूँगी उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा, ओके। तो सब में पहले इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, बाद में इसके बाद वाले वीडियो देखना स्टार्ट करिए। आने वाले लेक्चर में हम जो हमने रूल्स देखे हैं उनमें से हम सम और डिफरेंस रूल के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।